अब उसके बाद हम ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी लाए, आज इंटरनेट अवेलेबल है, टीवी अवेलेबल है, डॉक्टर जो पहले गांव में नहीं रहता था रहने लग गया है। यानी अपने आप क्वालिटी ऑफ लाइफ बदलने के कारण गांव के जीवन में सब सेवाएं उपलब्ध हुई है। अब गांव में हम एक नई सेवा देने जा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन की, ताकि गांव के बच्चे जो कभी मन करता है कि अच्छी शिक्षा के लिए चलो बच्चे को शहर भेज दें, लॉन्ग डिस्टेंस एजुकेशन के कारण शहर के उत्तम से उत्तम शिक्षक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गांव के बच्चों को भी पढ़ाएंगे। यानी गांव को बचाने के लिए, गांव को सारी सेवाएं देने के लिए टेक्नोलॉजी का भी उतना ही भरपूर प्रयोग किया जा सकता है और उससे बहुत बड़ा परिवर्तन लाया जा सकता है। एक उस दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि धारिया जी की जो तपस्या है, ये जो संशोधन है, भविष्य में जो लोग इस सोच के लोग हैं उनको एक बहुत बड़ी ताकत देंगे, बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और इस आयु में भी उनका जो उत्साह है हमेशा हंसते हुए है, ये अपने आप में भी बहुत बड़ी प्रेरणा देता है। इसमें गिरीश भाई आए थे तब उनसे भी काफी सत्संग करने का मुझे अवसर मिला था। और मैं मानता हूं कि हम सब ने जो मूलभूत चीजें हैं उन मूलभूत चीजों को पकड़ करके चले बहुत फायदा होता है। मैं आज एक पारिवारिक भाव से प्रणाम करने आया था, लेकिन साथ साथ आप सबके भी दर्शन का अवसर मिल गया। मैं धारिया जी का बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी आप सबसे बात की, आप में से जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी से कुछ कहना है, कुछ पूछना है, दो तीन पूछना नहीं, सारे सवालों के जवाब गीता में मिल गए। मैं आदरणीय जिसका उल्लेख आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया, मैं गिरीश गांधी जी को विनती करता हूँ कि वो आभार प्रदर्शित। गुजरात के ही एक छोटे कस्बे में 2 अक्टूबर 1869 में मोहनदास करमचंद गांधी नाम के बालक ने जन्म लिया था और युवा अवस्था में साबरमती में आकर सारे देश की चेतना को जगाने का काम किया था। उसी गुजरात से आए हुए नरेंद्र भाई मोदी, मैं आपसे बड़े नम्र शब्दों में कहना चाहता हूँ कि आज सारे देश की उम्मीदें आप पर टिकी हुई है। पर्यावरण का जो प्रदूषण था वो दूर करने का प्रयास पद्म विभूषण डॉक्टर मोहन धारिया लगातार कर रहे हैं। राजनीति में जो व्याप्त प्रदूषण है वो दूर करने के लिए सारा देश आपके कठोर निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा है और उसके लिए मैं सारे पुणे वासियों की ओर से, सारे महाराष्ट्र की जनता की ओर से आपको शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में इस देश की जनता की जो भी अपेक्षाएं आपसे टिकी हुई है, देश राह देख रहा है, बड़ा परेशानी में है देश। 64 साल की आजादी के बाद में भी आज जो भी समस्याएं हम देख रहे हैं जीवन के हर क्षेत्र में, जो डिटोरिएशन आ गया है, उससे लड़ने का मादा अगर किसी में है तो केवल वो आप में है, इसमें कोई संदेह नहीं। एक दो घटनाओं का जिक्र करके, बार बार जिक्र करके आपके देशभक्ति के संदर्भ में कोई प्रश्न चिन्ह अंकित नहीं कर सकता, इसके बारे में समझदार लोगों के मन में इस देश के कोई संदेह नहीं है। लेकिन उसके लिए एक आपको भी कड़ा प्रयास करना पड़ेगा, कुछ निश्चय निर्णय लेने पड़ेगा, क्योंकि आपके अलावा ऐसी क्षमता रखने वाला कोई दिखता नहीं। ऐसा ही राजनीति में बोला जाता था कि राजनीति में तो ये सब कुछ चलता है, ये सब कुछ करना पड़ता है, लेकिन आप एकमात्र व्यक्ति राजनीति में ऐसे हैं कि जिन्होंने ये साबित कर दिया कि इन फिजूल बातों की राजनीति में कोई आवश्यकता नहीं है। और इसीलिए आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप यहाँ पधारे, वनराई की ओर से, पुणे के सारे नागरिकों की ओर से मैं तहे दिल से आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय मोहन धारिया जी भी इस उम्र में भी जो उनका मार्गदर्शन हमें मिलता है उसके लिए भी मैं उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ नरेंद्र भाई कि भविष्य में आप इसी वनराई के कार्यालय में
एक अलग पहचान लेकर देश का नेतृत्व करने के नेता के रूप में यहाँ पधारे, इन सारी शुभकामनाओं के साथ आपकी इजाजत लेता हूँ। धन्यवाद।